धर्मनगरी वृंदावन में मोक्ष धाम जैसे स्थान पर भी अंतिम संस्कार के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत एवं इस समाचार को मीडिया द्वारा प्रमुखता से प्रसारित किए जाने पर आखिरकार नगर निगम प्रशासन ने इसको गंभीरता से ले ही लिया। रविवार को मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु एवं नगर आयुक्त अनुनय झा द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मोक्ष धाम का निरीक्षण किया गया, जहाँ उनके द्वारा अधीनस्थों को निर्देशित किया गया है कि मोक्ष धाम को प्रतिदिन 2 पोलियो में सैनिटाइजन कराया जाए एवं नियमित तो सफाई एवं आवश्यक स्टाफ की तैनाती की जाए। साथ ही नगर आयुक्त ने मोक्षधाम का संचालन कर रहे समिति पदाधिकारियों से मोक्षधाम के लिए जा रहे शवों के अंतिम संस्कार के संबंध में जानकारी प्राप्त की, जिसमें उन्होंने यह भी बताया कि समिति द्वारा शवों को अंतिम संस्कार निःशुल्क कराने के साथ ही सामग्री भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। नगर आयुक्त ने उपस्थित कर्मचारियों को निर्देशित किया कि किसी भी शव के अंतिम संस्कार कराने के लिए किसी प्रकार की धनराशि नहीं ली जाएगी। यदि इस संबंध की शिकायत सामने आती है तो संबंधित के विरुद्ध FIR दर्ज करते हुए कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, यदि शवों के अंतिम संस्कार में किसी प्रकार की आर्थिक समस्या हो तो नगर निगम द्वारा कोरोना से संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार हेतु 8,000 रुपए दिए जाएंगे। देखिए, आज वृंदावन में हमारे द्वारा हमारे नगर टीम है और हम हर जगह जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि सैनिटाइज ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंटी लार्वा दवाई नाले नालियों में छिड़की जा रही है, नहीं छिड़की जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे कर्मचारी यहाँ से जाते हैं और कहीं आराम फरमा रहते हैं। तो इसीलिए आज हम यहाँ सत्याग्रह पर भी आए हैं और आप ये देख रहे होंगे कि हमारी पूरी टीम चल रही है, एंटी लार्वा का भी छिड़काव कर रही है, सैनिटाइज भी कर रही है और जगह जगह जाकर हम मथुरा में और वृंदावन में दोनों जगह इन चीज़ों पर निगाह लगाए हुए हैं। शाम को भी हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं जो फॉगिंग कर रही हैं, तो हमने शाम के समय सब वार्डों में फॉगिंग का कार्य चालू करा रखा है। दिन में हर जगह एंटी लार्वा और सैनिटाइज करा रहे हैं जिससे कि हमारी जनता सुरक्षित रहे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, मास्क लगा कर रखें। अगर घर से कहीं ज़रूरी काम से बाहर जाना हो तो आन के 2-3 बार साबुन से हाथ जरूर धो लें। तो मेरा यही अनुरोध है जनता से भी कि दूरी बनाकर जरूर रखें। देखिए, नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थलों पे भी सैनिटाइजेशन का काम टैंकर्स के माध्यम से कराया जा रहा है और जहाँ पे भी कंटेनमेंट जोन्स है वहाँ पे हैंडहेल्ड मशीन से भी सोडियम हाइपोक्लोराइड की सैनिटाइजेशन कराई। इसके अतिरिक्त नाले के सफाई का भी कार्य हम लोगों ने जो युद्ध स्तर पर लिया था वो कोरोना के चलते भले ही थोड़ा सा पीछे हुआ हो लेकिन उस पर भी हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं, एंटी लार्वा छिड़काव कर रहे हैं ताकि डेंगू का प्रकोप यहाँ पर न बढ़ सके। तो ये तो जो नगर निगम की सफाई व्यवस्था है उसको हमने देखा। दूसरा हमने ये भी देखा यहाँ जो मोक्ष धाम है जहाँ पे कोविड और नॉन कोविड शवों का शवदाह किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कुछ शिकायतें जो प्राप्त हो रही थी पिछले दिनों में उसको निपटाया गया। नगर निगम ने प्रयास किया था कि हम अपने ही संसाधनों से अंतिम संस्कार करेंगे, उसी का जायजा लेने यहाँ पे आए हैं और आशा करते हैं कि जो अच्छा काम हो रहा है उसको आगे बढ़ाया जाए और जो भी जनमानस की शिकायतें होंगी उनका निस्तारण किया जाए।